हेलो, हेलो। कौन बोल रहा है? अरे पहचाना नहीं मेरे को? अरे मेरे को हेलो। पहचान नहीं रहे ना। अरे मम्मी है घर पे यार, खुल के बात नहीं कर पा रहा हूँ। कैसी है तू? अच्छी हूँ, बता। और क्या प्लान है शाम का तेरा? तू बोल। शाम को मिलते हैं ना पुरानी वाली जगह पे। शाम को थोड़ा तो बिजी हूँ, बट कोशिश यार कर दो, यार कोशिश करूंगी। ऐसे मत करना, टाइम निकलना। कितनी मस्ती करी हम दोनों ने, आज वापस करेंगे ना? अभी तो मौसम भी आ गया सर्दियों का। लेकिन यार ऐसे मत कर यार, मूड बन गया आज। यार मम्मी के साथ कहीं जाना था। मम्मी को साइड में रखना। वो जो पार्क है ना, सुलभ शौचालय के पीछे वाला पार्क, वहां पर। कौन बात कर रहे हैं? अरे दीपक बोल रहा हूँ। कौन दीपक यार? भूल गई तू मेरे को? मैं किसी दीपक को नहीं जानती। तू तो क्यों बोल रही थी मेरे से मिलने आएगी अभी? यार मेरे को थोड़ा सा ना कंफ्यूजन हो गया था, ठीक है? मैंने सोचा मेरे बॉयफ्रेंड का कॉल है, तो फोन रख, मैं किसी दीपक को नहीं जानती, तो ठीक बात कर है? लेना थोड़ी देर मेरे साथ में, क्या है? तेरे को बोल रही हूँ, मेरे को बात नहीं करनी, मुझे कंफ्यूजन हो गया था, फोन रख। कितनी फीलिंग दे दी तूने यार, आज तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अबे मैं तेरे को बोल रही हूँ फोन रख, समझ में नहीं आता क्या तेरे को? फोन रख। हेलो। हाँ मोनालिसा बोल रही है क्या? हाँ दीपक नाम है मेरा। वो मम्मी आई हुई थी ना, इसलिए मैं तेरे से खुल के बात नहीं कर पा रहा था। तो यार खुल के बात कर यार, धीरे से बात कर। मैंने बोला ना तेरे को मेरे को बात नहीं करनी। यार मुझे तो बड़ी पसंद आ गई तू, मतलब इतनी मुंहफट लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मजा आएगा यार तेरे को डेट करके। चलना यार सर्दियों का मौसम है, चलना उधर में थोड़ा डेट वेट मारेंगे यार, क्या फर्क पड़ता है यार। दादा फ्रैंक होने की कोशिश मत कर मेरे से, ठीक है? मैंने एक बार मोनालिसा, तेरे को कायदे से समझा दिया, मेरे को फोन मत कर, मेरे को बात नहीं करनी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे क्यों बात नहीं करनी यार? ऐसा क्या है तेरे बॉयफ्रेंड में जो मेरे मेरा पास? एक लॉयल बॉयफ्रेंड है, ठीक है? तो फोन रख, मेरे को बात नहीं करनी। मतलब बहुत अच्छा लड़का हूँ यार, इंजीनियर हूँ पेशे से। अपने दीपक के नाम की ना बत्ती बना के ना हेलो पिता ने हेलो कहीं और डाल हेलो। दे। मम्मी मम्मी आ गई, मम्मी आ गई है। क्या है? अरे मम्मी, माय गॉड, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है तेरा क्या है, कभी मम्मी, वॉल्यूम कम, कभी वॉल्यूम तेज। अरे मम्मी आ गई ना। मम्मी को मेरी जानती नहीं है तू, बहुत बड़ी है। अबे सुन, सुना फोन रख। तेरी तेरी इसी मम्मी आ गई, तेरी तेरे पापा आ गए, फिर तेरा खानदान आएगा, फिर तेरा माई बाप आएगा, कोई ना कोई तो आता रहेगा, ठीक है? तो तू कहीं जाकर के किसी और लड़की से ट्राई मार। तेरी इसी आदत पे तो मुझे प्यार हो गया है मोनालिसा। ए दीपक, सुना इतना भाव मत खा, वैसे भी तेरा नंबर सुलभ शौचालय की दीवार पे लिखा हुआ था। कैसे बोल रहा, तुझे मेरा नंबर कहाँ से मिला? सुलभ शौचालय की दीवार पे लिखा हुआ था, भाव मत खा ज्यादा। तेरा दिमाग जैसा तेरा नाम है ना, मेरा पेंटिंग में अच्छी लगेगी, लेकिन मैं तुझे रानी बना के रखूंगा। तू ना कहीं और जाके किसी मजनू के साथ, किसी लैला के साथ जाके अटक है ना। मैं बोल रही हूँ तू फोन रख, सारे फोन। कुत्ता साला कहीं का सड़क से किसी का भी नंबर उठा लेता है, कहीं से भी कुछ। तुम लोग सारे नंबर को इधर इधर भाई भाई करते हो, फोन मिला लेते हो, कोई लड़की को बात करना स्टार्ट कर लेते हो। हेलो साले, बोल साले। अब क्या बोलेगा तू? वॉल्यूम कम करके बोलेगा, तेज करके बोलेगा? साले तेरी माँ आती है, कभी बहन आती है, कभी बुआ आती है, तेरा खानदान मुझको कुछ पता ही नहीं कब आना है कब जाना है। बोल साले क्या बोलना है यार, तेरे को बात ही नहीं करनी, तू क्यों फोन कर रहा है यार? बोल रहा है साले, अब नहीं बोलेगा? फुसफुसा की इतनी देर से बोल क्यों नहीं रहा है? मर गया क्या कि जिंदा है? या आपको ना गया, तेरी सास आ गई कि ना? हेलो, मैं ना मेरा मेरा बस चले, मैं इसमें से घुस के तेरा गला दबा दूं, आवाज ही बंद हो जाए तेरी। हेलो। मोनालिसा, हाँ जी, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और आपका मुर्गा। यार मैंने कितनी सारी गालियां दी है यार। और कोई भी लड़का इसे बात करता है तो तेरे को लगता है तेरे बॉयफ्रेंड का कितनी बात करती है अपने बॉयफ्रेंड से खुश पुसा करके? हैं? पर्सनल पर्सनल पर्सनल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। हेलो। हाँ जी बेटा जी, कैसे हो आप? कौन बात कर रहा है? पहचाना बेटा जी? पहचाने नहीं मेरे को बेटा जी? नहीं यार, हर वीक में मुलाकात होती है आपसे। नाम बता देंगे आसानी हो जाएगी थोड़ी। बेटा मेरा नाम मंडे है बेटा, मंडे। मंडे हर बार मैं हर वीक में आता हूँ, जैसे आज आया हूँ तो मंडे बोल रहा हूँ बेटा। बोल रहे यार मंडे के दिन, क्यों बना रहे हो? मंडे बोल रहा हूँ बेटा, मंडे। कैसे हो बेटा? ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए हो? यार अंकल देखो, नहाए धोए हो नहीं, ऐसे ही निकल लियो सर्दी बोल करके? वो सब ठीक है, वो मैं देख लूंगा ना। आप अपने नाम बता दो या तो फिर। मैं बेटा बोला तो बेटा मंडे बोल रहा हूँ, वही मंडे जिसको तुमने बड़ी गालियां दी है। अरे यार अंकल मत करो, देखो सुबह सुबह आज वैसे मंडे है, वीकेंड के बाद ऑफिस जा रहे हैं, ऊपर से तुम सुबह सुबह फोन कर रहे हो, बोल रहा हूँ मंडे बोल रहा हूँ मंडे बोल रहा हूँ। तो मंडे बोल रहा हूँ तो मंडे ही बोलूंगा ना। सुन 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 सुन, मुझसे क्या काम है? ऑफिस जा रहे हो आज मंडे के दिन? या आज फिर से गालियां निकालोगे? बॉस है मेरा, कलीग है, कौन है? मंडे है। इतनी गालियां देते हो मेरे को, इतना याद करते हो मंडे, हमेशा बोलते हो मंडे मी मंडे वाला मंडे फिर से आ गया। वो तो है ही तू, वो तो है ही तू। हाँ तो इतनी गालियां इसलिए याद कर लिया तुमको। तू मंडे है ना, तू मंडे बोल रहा है ना अपने आप को, तो तू सुन ले, तू है, तू है, ठीक है? सारी बात तेरी समझ में, तेरी वजह सबको उठना पड़ता, मैं भी तेरी वजह से भुगत रहा हूँ, ठीक है? अब फोन मत करियो मुझे, जो भी है तू किसी और से मजाक कर।
हेलो, आपको तमीज है कि नहीं है? कौन बात कर रही है? मैं उसकी मम्मी बोल रही हूँ जिसने थोड़ी देर पहले आपको फोन किया था। किसकी मम्मी? मेरे पास किसी बच्चे का फोन नहीं आया। मंडे का फोन आया था कि नहीं आया था? आप कौन बात कर रही है? वो कौन है? संडे। तो अपने पास रखो ना फिर अपने मंडे को। फोन देखेंगे छोड़ दिया सड़कों पे, दूसरों को फोन कर रहा है वो। दो चार बातें करने के लिए उसने तुमको फोन क्या कर लिया? तुमने उसको खरी खोटी? अरे मैडम देखो देखो, आज अरे तरफ ये कौन शुरू हो गया? अरे मेरी बात तो सुन लो। अरे अरे सुन लो, मंडे संडे जो भी हो यार मुझे मत तंग करो। मेरा मंडे आज, मुझे वैसे ही ऑफिस जाना, आज प्रेजेंटेशन भी है। प्लीज यार किसी और को आप जो भी। अरे मैंने कुछ, अरे सुनिए तो आप मेरी बात तो सुन लीजिए मैडम जी। आपका नाम जो भी है, पता नहीं क्या नाम है आप। संडे, संडे किसका नाम होता होगा? मंडे संडे क्या लगा रखा है आप लोगों ने? ये मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा यार, मेरे पास कोई ऐसा फोन आया तो। हेलो, हेलो बेटा, कैसे हो तुम? कौन बात कर रहे हैं? फ्राइडे बोल रहा हूँ बेटा। क्या लगा रखा है यार ये संडे मंडे फ्राइडे थर्सडे? ये सुनो, अपने संडे मंडे की रिश्तेदारी है ना, सब अपने से रखो मुझसे। बेटा देखो, ऐसे किसी से बदतमीजी से बात नहीं करते, भले मंडे हो चाहे संडे हो। तुम लोगों का काम है कैलेंडर में लेना, कैलेंडर में रहो। जबरदस्ती ना चाटो मत किसी को मंडे को फोन करके। आ रही है बात समझ में? संडे बोल रहे हैं, मंडे बोल रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं आगे। एक तो वैसे मंडे साला ऑफिस जाने के लिए सब खड़े हो रहे हैं और तुम फोन करके बोल रहे हो संडे। रखा है लोगों का, मंडे का फोन आ गया, संडे का फोन आ गया, फ्राइडे का, बेटा सैटरडे का आ गया, बीच में फिर कौन बेटा चला? ऊंचा बोला हमको, ऊंचा सुनाई देता है। अरे सैटरडे कहाँ गया बुड्ढे? सैटरडे वो बेटा विदेश गया हुआ अभी घूमने के लिए। उसको भी नंबर दे दो ना मेरा, वो भी फोन करके मेरी मान लेगा। नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, मेरा भाई है थर्सडे, उसका पूरा परिवार है वेडनेसडे ट्यूसडे, मैं उनको बोलूंगा बेटा कॉल करने के लिए तुमको। सुनो ओए ओ बुड्ढे अंकल, सुनो जो भी हो तुम संडे मंडे की तुम्हारी ये जो क्रियाक्रम है ना कहीं और करो जाके, मेरे पास ना टाइम नहीं है जो मुझे फालतू में चाट। बेटा देखो ऐसा है कि तुमने संडे को भी गाली दी, मेरी बात भी सुन लो, अब खुद ही फोन करके करे जा रहे हो संडे मंडे का। कोई फोन करता होगा संडे होता हो किसी का नाम? गगन जी, जी हम आरजे प्रवीण बोल रहे हैं रेड एफएम 93.5 से। और बेटा हम ही फ्राइडे और हम ही मंडे। प्रवीण भाई यार मंडे में यार ये समस्या कर रहा है यार, भाई मंडे को बड़ी गालियां देते हो तुम्हारी ऑफिस वाले ने बताया। मुझे लगा, पता नहीं मुझे लगा कि ऑफिस में कोई कुछ कर रहा है यार, मैं यार ये मत किया कर। ফায়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে বলছি দেবদীপ। হ্যাঁ বলুন, কি হয়েছে? আমার ওখানে আগুন লেগেছে, ঠিকানাটা একটু বলো, তাড়াতাড়ি ফায়ার ব্রিগেড আসবে আগুনটা নেভাতে। কোথায় আগুন লেগেছে? এখানে কোনো আগুন ফাগুন লাগেনি তো? আগুনটা লেগেছে বলছি তো, এখানে আমি আমার বাড়িতে বসে আছি, এখানে কোনো আগুন লেগেনি। আবার মিথ্যা কথা বলছেন, বলছি তো আগুনটা লেগেছে, আগুনটা নেভাতে আসতে হবে আমাদের, ঠিকানাটা বলুন। স্যার দেখুন, আমি বলছি আমি আমার বাড়িতে বসে আছি, এখানে আপনার কোনো মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে? এখানে কোনো মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়নি। আরে অত টাইম নেই ফালতু, আমার তো ফোন রাখুন, ঠিকানাটা বলো। আমি বারবার করে আপনাকে বলছি, আমাকে একদম বিরক্ত করে। না বারবার করে বলার দরকার নেই, আমরা জানি যে আগুনটা লেগেছে, আগুনটা নেমাতেই হবে আমাদের। আরে কতবার করে বলবো, এখানে কোনো আপনি হাজারবার বললে কি আমরা মেনে নেব? ইনফরমেশন কোথা থেকে পেয়েছেন আপনি? হ্যাঁ ইনফরমেশন যেখান থেকেই পাক, কোনো কাজ কাজ নেই, বসে বসে অফিসে মানে শুধু এইসব কাজই করেন আপনারা। হ্যাঁ আরে দাদা, আপনি তো ফোনটা কেটে দিলেন। আরে কে রে তুই ভাই, কে? আপনার ভালোর জন্যই তো কল করেছিলাম আমরা। কি ভালো বলছি আপনাকে, এখানে কোনো আগুন লাগেনি দাদা। আপনি ভাগবকে, আপনি হয়তো দেখতে পাচ্ছেন না কিন্তু আগুনটা লেগেছে, আর ওই আগুনটাকে নেমাতে হবে। আমি তো আমার বাড়িতেই বসে আছি, কি বলছো তুমি? কি আগুন লেগেছে? আগুন লেগেছে? অ্যাড্রেসটা বলবে, অ্যাড্রেসটা বলবে তোমার? কে রে তুই সারা ছেলে, কে তুই? নাম বল তো তুই, আমি সারা ঢুকে মারবো তোকে অফিসে। কে তুই রে? এত মারবো না, সারা পুলিশে কমপ্লেন দিয়ে যাবো। আগুনটা লেগেছে তো, আগুনটা বোঝাতে হবে। আরে তোর সারা তোর বাড়িতে আগুন লেগেছে, তুই আমার চিনিস না তুই? এখন সব দেখে নেব, কিন্তু আগুনটা আগে নেমাতে হবে আমাদের। যা করার করে না তো, সারা বসে বসে তুই সারা বিরক্তি করছে। হ্যালো, থানা থেকে বলছিলাম। বলুন স্যার, তোমার ওখানে কি আগুন লেগেছে? আরে স্যার আমি কি বলবো, এই কতক্ষণ দিয়ে কোন ফায়ার ডিপার্টমেন্ট না কি ডিপার্টমেন্ট? না না আগুন তো লেগেছে। আরে স্যার আমি বল, তোমার নামে কেস এসছে। কি কেস? আগুন কোন সেটা লাগেনি, কি কেস? ফেসবুকে কাদের কাদের সঙ্গে কথা বলিস তুই? বন্ধু আছে আমার, মেয়েদের সঙ্গে তুই কি ধরনের কথা বলিস? তো নর্মাল হাই হ্যালো এরকমই হয়। আমার বন্ধুরা পায়েল দাস, তার কি নাম? পায়েল দাস। রাত 1:44 মিনিটে তুই তার সঙ্গে কি কথা বলেছিস? ঘুমাচ্ছে
পাচ্ছিলাম স্যার। আমার কাছে পুরো চ্যাটের স্ক্রিনশট আছে বেটা। আরে স্যার মানে ফেসবুকে তো এই মানে আছে, মানে এই গুড নাইট হয়েছিল স্যার, গুড নাইট এর আগে বান্ধবী তো স্যার, তো ওই জন্য বান্ধবীর সঙ্গে এই ধরনের কথা কেউ বলে ওর কাছ থেকে? ওটা জোক। দুদিন আগে দেবলীনা বাগচি তার সঙ্গে রাত 12টা নাগাদ পড়ে শোনাবো না স্যার, থানায় আয় চুপচাপ। থানায় কেন স্যার, করবো না স্যার, আর মানে কাউকে থানায় আয় স্যার, স্যার এমন করো না স্যার। স্যার কেন, রাত 2-3টা নাগাদ মেয়েদের সঙ্গে উল্টো পাল্টা কথা বলছিস, তখন কিছুই হচ্ছে না স্যার? স্যার স্যার ভুল হয়ে গেছে স্যার, এবার করবো না স্যার, মায়ের দিব্যি বলছি স্যার, ভুলে গেছে আর করবো না, কখনো করবো না, কাউকে মেসেজ ইভেন ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট কাউকে আমি পাঠাবো না স্যার। স্যার প্লিজ স্যার, একবার করে বলছি, নইলে তোর বাবার কাছে ফোন যাবে এবার। স্যার অনেক নাম খারাপ হয়ে যাবে স্যার, মানে নাম খারাপ হয়ে যাবে, মেয়েদেরকে বলছিস ছবি পাঠাতে? স্যার ভুল হয়ে গেছে স্যার, আর করবো না স্যার, স্যার প্রমিস স্যার। আর একবার যদি ধরা পড়ে, মায়ের দিব্যি বলছি স্যার, কিছু কখনো হবে না স্যার, কাউকে মেসেজ কিছু পাঠাবো না। দেখো বেটা এসা হ্যায় কি, তোমারে চ্যাটস কা পুরা স্ক্রিনশট মেরে পাস মে, না মে কিসি ফায়ার ব্রিগেড সে বোল রহা হুঁ, না মে কিসি পুলিশ স্টেশন সে বোল রহা হুঁ। কি বলছিস? মে রেডিও স্টেশন সে বোল রহা হুঁ, মেরা নাম আরজে প্রবীণ হ্যায়। কি ছিল এইসব? লোগো কো মুর্গা বানানা মেরা কাম হ্যায়, লেকিন আজ মুর্গা বানাতে বানাতে তুমে সুধারনা ভি মেরা কাম থা। তোমারে পুরে স্ক্রিনশটস মেরে পাস মে পড়ে হ্যায়, ওয়ান স্ক্রিনশট ইফ আই সেন্ড ইট টু পুলিশ স্টেশন ইউ উইল বি স্ক্রুড। না না প্রবীণ দা, এমন করবে না স্যার, স্যার প্লিজ স্যার, মানে তুমি যে লড়কিয়ো के साथ में आज तक करते आए हो, कोई भी लड़की दिख गए उसके साथ में उल्टी पुल्टी इस तरह की हरकतें कर रहे हो, यू विल स्टॉप दैट इमीडिएटली। हां एकदम, प्रॉमिस प्रॉमिस सर, प्रॉमिस। पक्का? हां बिल्कुल बिल्कुल सर, कभी 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 नहीं करेगा। हेलो हेलो, हां जी, इज दिस 98366 वन? हाँ करेक्ट है। ऋषभ जी से बात हो रही है क्या मेरी? हाँ जी बोल रहे हैं। एक्चुअली मैंने आपकी एड एक्स पे देखी थी, आप अपनी कार सेल कर रहे हैं, एक i20। एक्चुअली मैंने तो कोई इश्तिहार डाला ही नहीं ऐसा, मेरा ऐसा गाड़ी भी नहीं है। अच्छा, यही नंबर दिया हुआ है, आपका नाम दिया हुआ है ऋषभ? ओहो, मैंने तो ऐसा कोई एड डाली नहीं है। मे बी आपके घर से किसी ने डाला हो। जहाँ तक मुझे समझ में आता है, मेरे पास तो i20 भी नहीं है, ये ब्रांड की व्हीकल ही नहीं है अपने घर में, एड डालने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक्चुअली मुझे ना ये कार खरीदनी थी। ऐसे मेरे जान पहचान में तो बहुत लोग हैं जो गाड़ी ऐसा दिलाते हैं, मैं मिलवा सकता हूँ। आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? हाँ जरूर करेंगे ना। आप मुझ पे भरोसा रखिए, मैं करवा दूंगा आपका काम। प्लीज ट्राई करिएगा कि रेड कलर की कार मिले। डेफिनेटली मैडम, हम रेड ही दिलाएंगे आपको, हम बात कर लेते हैं, बात करके हम आपको बताते हैं। आपकी नंबर यही है ना? यही मेरा नंबर है। हाँ जी हाँ जी, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। ओके थैंक यू सो मच ऋषभ। हेलो हेलो ऋषभ बेटा। कौन बोल रहे हैं? ऋषभ बेटा, मैंने तुम्हारी गाड़ी का एड देखा वो सर कर पे, i20 बेच रहे हो ना बेटा? अंकल जी शायद आपको गलत नंबर लग गया होगा, आप किसको ढूंढ रहे हैं? बेटा मैं ऋषभ को ढूंढ रहा हूँ जिसके पास में i20 है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत लग गया होगा आपको नंबर। गलत पता नहीं किसने पीपा के हाथ डाल दी बेटा तुम्हारे नाम पे। तो सुनो एक काम करो बेटा, यंग जनरेशन के हो, तुम्हारी जान पहचान में तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका गाड़ियों का काम है, दादाजी को एक दिला दोगे? सुनिए ना, मेरा एक फोन भी आ रहा है, मैं थोड़ा बिजी भी। इतना बिजी होना भी ठीक नहीं है बेटा जिंदगी में। अबे साले बुड्ढे, तेरा दिमाग वहाँ खराब हो गया क्या? कब से बोल रहा हूँ कि मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ बेटा तुम्हारी जान पहचान, बेटा साले तुम्हारी जान, बेटा तुम्हारी दिमाग से भूसा पड़ा है क्या बेटा? खाली फोन मत करियो i20 लेके। सुनो बेटा, नहीं है तुम्हारे पास तो बाहर से दिला दो, इसमें क्या है, इंसान इंसान की मत होता है। दिमाग में घासलेट पड़ा है क्या तेरा? बोले हेलो हेलो, ऋषभ बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ बोल रहे हैं। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको फोन किया था कि मैंने आपकी गाड़ी की एड देखी है। हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली मैडम इतना जल्दी तो गाड़ी नहीं मिलती है। कोई जरूरत नहीं है गाड़ी ढूंढने की, मतलब मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरीके के इंसान निकलेंगे। मैडम क्या हो गया? मैंने भाई मुझसे तो इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे थे कि गाड़ी दिलवा दूंगा, लाल रंग की दिलवा के दूंगा। मेरे पिताजी ने एक बार आपको फोन क्या कर लिया, सारी इंसानियत आपकी एकदम घास चढ़ने चली गयी। बेटा मैं बोल रहा हूँ, मैंने बोला था ना गाड़ी के लिए, तुमने गाड़ी की जगह गाली सुन लिया था बेटा, तुमने गाली दी थी मुझे। अंकल जी आप, मुझे तो समझ में नहीं आया ना। हाँ बेटा जी बोलो। क्या बोलूँ अंकल जी, सुंदर की एक्चुअली गाड़ी ही ढूंढ रहा हूँ मैं, गाड़ी ढूंढी। ओ अभी तुम गाली ढूंढ भी रहे हो, वाह बेटा वाह वाह वाह। थोड़ी देर पहले तक गाली दे रहे थे, बेटी ने कॉल किया तो बेटी से प्यार मोहब्बत रोमांस की बातें कर रहे थे। यस मैडम, आई विल सर्च इट फॉर यू मैडम, आपको लाल रंग की निकल गया।
हेलो हेलो हाँ जी ऋषभ जी हाँ जी बोल रहे हैं ऋषभ जी मैं प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से और मैं दादाजी बन के आपसे बात कर रहा था और मेरी शो प्रोड्यूसर आपसे वो मैडम बन के बात कर रही थी आपका मुर्गा फंसा दिया मुझे अच्छा लड़की की आवाज़ सुनते आप ऐसे फिसल जाते हैं क्या नहीं ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लीज 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 सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट हेलो मूवी देखने के लिए आए थे ना इधर में हमारे हॉल में मूवी देखने आए थे क्यों कौन जी, आपकी सीट नंबर E21 एंड E23 थी राइट हाँ ये आप क्या करके गए इधर में भाई थिएटर पे पिक्चर देखने आते हैं और क्या करने आते हैं पिक्चर देखने आए थे आप आई यू श्योर अबाउट इट और क्या तूने क्या देख लिया वहाँ पे ऐसा आपने और क्या किया है वहाँ पर पहले उस पर आप जोर डाले पिक्चर देखी ऐसे काम आप घर में क्या करो ना सब चीज की अपनी जगह होती है क्यों आए थे आप इधर में ये सब करने के लिए दादा सुन तू क्या साले कॉर्नर की सीट घुमा के बैठा था कॉर्नर की सीट आपने ली क्यों होती मेरे ख्याल से इसीलिए ली थी ऐसे काम अपने घर में क्यों नहीं करते आप बाहर निकलते तभी करना पड़ता है आपको ये सब काम स्वच्छ अभियान कौन है पहले नाम तो आप जैसे लोग हैं जो ऐसी गंदगी फैलाते हैं पूरे समाज में आप लोगों के चलते सब कुछ बदनाम हो जाते हैं लोग ये किसका बेड़ा उठा के घूम रहा पहले ये तो बता दे मूवी हॉल का बेड़ा उठा करके घूम रहा हूँ भाई अपने घर में बनाइयो किसी को यहाँ मत बना कार्टून कौन भी हेलो जी नमस्कार हम सरकार की ऑफिस से बोल रहे हैं मोदी जी के ऑफिस से आप कल किसी मूवी हॉल में गए थे पिक्चर देखने के लिए क्या मतलब ये मोदी जी की सरकार से बोल रहे हैं कहाँ से बोल रहे हैं भाई मोदी जी की ऑफिस के एक डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं और अभी जो है आपके नाम पर कंप्लेन आई थी मूवी हॉल से इसलिए आपको कॉल किया है ये तो बता देखो क्या हुआ देखो क्या हुआ देखो क्या हुआ देखिए सर बात कर रहे हैं एक मिनट रुकिए चुप रहिए सुनिए देखो क्या हुआ देखो क्या हुआ देखो क्या हुआ क्या ये तो पूछ रहा हूँ मैं तैयारी के साथ आज मैदान में आया सोशल मीडिया में भी आंदोलन खड़ा करने का किया वो समाज सेवक हाँ जी बताइए ऐसा है समाज सेवक बंद कर मोदी जी जो कर रहे हैं वो तो ठीक है उनको फॉलो करता हूँ बट तू अपना ये क्या पंती चल रही है क्या है मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ मोदी जी की आवाज चल रही है देखिए बैकग्राउंड में देखो क्या हुआ देखो क्या हुआ देखो क्या हुआ क्या करके आए हैं आप वहाँ पर मूवी देखने गए थे मतलब खुजली है मूवी देखने से ये बता आप वहाँ जो करके आए उस कारण आज सर को बोलना पड़ रहा है तैयारी के साथ आज मैदान में आया सोशल मीडिया में भी आंदोलन खड़ा करने का तय किया अगलेट आदमी एक चीज बार बार बजाने से क्या होगा हम सब मिल करके इसको एक जन आंदोलन बनाएंगे हम आपके अगेंस्ट में भांग घूट के बैठाएगा कहाँ से बोल रहा था पहले ये बता देखो क्या हुआ सर आपको बोल रहे तब से देखो क्या हुआ याद करने की कोशिश कीजिए कल क्या हुआ कल कुछ नहीं हुआ कल बस ऐश हुए थे और कुछ नहीं हुआ ऐश हुआ कुछ ऐसा हुआ है कि मोदी जी को बोलना पड़ रहा है हम सब मिल करके इसको एक जन आंदोलन बनाएंगे मतलब कुछ और सुनना चाह रहा है मतलब क्या है टीम क्या तरह ये बता दे तैयारी के साथ आज मैदान में आया सोशल मीडिया में भी आंदोलन खड़ा करने का तय किया फेसबुक ट्विटर पर भी इसके काम को आरंभ किया है भाई कहाँ है तो कौन से जहाज पे है मैंने बताया तो हम सरकार के ऑफिस से बोल रहे हैं और आपने कल जो मूवी हॉल के अंदर में काम किया उसके लिए हम आपको कॉल कर रहे हैं अब आप याद करने की कोशिश कर लो आपने मूवी हॉल में क्या किया है कर रहा तो आगे भी तो बकबक करेगा मेरे को क्या सपने आ रहे कि मैं ये सोचूं अभी ये करके आऊं मैं वो करके आऊं सुबह में हंके भी आया था वो भी बताऊं तेरे को सुनिए जरा ध्यान से पुरानी आदतों को बदलने के लिए बहुत समय लगता है कठिन काम है मैं जानता हूं लेकिन हमारे पास 2019 तक समय है 2019 तक का समय हमारे पास में क्यों है बताइए क्या सीन है तेरा मेरे को क्लियर बता लड़की के साथ में गए थे पहला आदमी देखा लड़की के साथ पहला आदमी देखा जो लड़की के साथ में जाता है और उसके बाद में इतनी गंदगी फैलाता है कौन सी गंदगी देख रही तू आपने पूरे फ्लोर में पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक सब कुछ गिरा दिया लोग वहाँ पे बैठते हैं कि तेरी नजर के मेरे पे बड़ी बैठी थी और भी फैले हुए तो उनके उठा लेता जी नजर आप पर इसलिए पड़ी क्योंकि आपके बगल वाले ने आपसे कहा था आपके दोस्त ही थे जो आपके साथ में गए थे उन्होंने कहा था आपने कहा अरे छोड़ना यार पैसे दिए हैं गिरा ही सकते हैं ऐसा कहा था ना आपने अपने दोस्त को हाँ। तो आपको बता दूं सर मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से अबे यार तुम क्लिक नहीं कर देते पहले चीज पता नहीं बाहर चढ़ सुना रहे यहाँ पे फट के चार हो गई साले क्या कर रहे हैं अब और आपको जरा से भी शर्म है कि आपने जो किया और जो कहा कल वो गलत था क्या बोलूं अब मैं भी केयरफुल रहेंगे चिंता मत करें मैं पहले देख के बैठूंगा आसपास की कोई साला कैमरा लेके आके शार करके तो नहीं बैठा मेरे ऊपर हेलो हाँ जी हम पेट्रोल पंप से बोल रहे थे जहाँ से आप पेट्रोल और डीजल भरवाते हैं ना भैया हाँ जी हाँ भैया वहाँ से बोल रहे हैं गोरी सी भाभी जी को लेकर के आते हो कैसी है मजे में जी आपको काम क्या है वो तो बोलिए जो हमको 9 तारीख को 500 का नोट दे के गए थे जी साला सारा का सारा ना डुप्लीकेट निकला है चोरी तो नहीं हो सकता है चोरी का पैसा पता नहीं कहाँ से लाया है देखिए जवान संभाल के बात कीजिए ठीक है पहला तो नोट डुप्लीकेट नहीं है क्योंकि एटीएम से निकाल के मैं तेल भरने के लिए आया था हमारे पास में सीसीटीवी फुटेज है चालू मत बनिए दादा रहता है बहुत दूर में भैया डुप्लीकेट नोट आप कैसे बता देंगे डुप्लीकेट खाली सुंदर बीबी लेकर के आ जाएंगे गर्लफ्रेंड लेकर के आ जाएंगे मतलब क्या आप बहुत चालू इंसान है
मत करो मेरे साथ, समझे? तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आप डुप्लीकेट नोट पकड़ा के गए, चालू बन रहा है, अपना काम निकाल रहा है। यहाँ से बात कर रहे हैं बोल के ज्यादा है, तेरा में डंडा घुसा देंगे साले, जो करना है कर। हम आपका उधर में पेट्रोल का पाइप घुसा देंगे, पेट्रोल चालू कर देंगे, डुप्लीकेट नोट लेके गए। तुमको आज मिला है इतना गरीब आदमी का मतलब? फालतू का बात मत कर। मालिक बोला ये 10 नोट है 5,000 रूपया, कहाँ से लाएंगे बताइए? तू कहीं से भी ला भाई, तू अपना मरवा के ला, जो करना है कर, जो उखाना है उखा। बड़ा प्यार साहब का बात सुन रहे तो आप हमारा सर पे चढ़ेंगे? साले तू अपने घर से लाकर तू दिए दिया वो पैसा इधर। हमारा ईमानदारी पे शक कर रहे हैं आप? तेरा ईमानदारी साले 2000 का नौकरी करते, तेरा ईमानदारी किसी से लिया होगा? ऐसे भी तो अभी पैसा का झमेला चल रहा है ना। इससे आपने अपने औकात बता दिए, गरीब की हाय लेके आप खुश नहीं रह सकते। देखिए हम क्या करते हैं। हेलो संदीप जी बोल रहे हैं? हाँ जी बोलिए। घर का आपका? बस बगल में दमदम में। बांग्लादेश से आते हैं आपके पास नोट नकली? तू वही बोल रहा है ना, अभी जो लड़का फोन किया था उसी का कोई दोस्त वोस्त बोल रहा है ना? जब आराम, पुलिस वाले से बात कर रहा हूँ। किससे बात कर रहा हूँ? पुलिस वाला हूँ मैं। पुलिस कहाँ से नोट कहाँ से ले आई? बस एटीएम से उठाया था और वहीं से निकाला। एटीएम कहाँ था? इंडिया से बांग्लादेश से नकली नोटें छाप रहे हो तुम लोग? जी सर ऐसा तो नहीं है सर, एटीएम से बस निकाल के मैंने। बेचारा रो रहा है पेट्रोल पंप वाला। सर मेरा मार लिया सर इसने, थाने पे आ जाओ, ये रो रहा है बेचारे, इसको आओ जमा लो अभी, इसको डील मेरा पैसा पूरा बर्बाद चला। अभी बात कर लो तुम लोग। तेरे को पकड़ के मारूंगा साले, ये डंडा घुसाऊंगा। रिकॉर्डिंग पे चल रहा है पूरा कॉल, पुलिस वाले को गाली देता है तू? सर आपको गाली नहीं दे रहा हूँ सर, वो बंदा सर मैं बह रहा हूँ, मेरे को सुनाई नहीं पड़ता ना सर। सर आप हम सुना हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है। देखिए सॉरी सर, आपको तो गाली नहीं दे रहे थे सर। अभी किसको गाली दिया सर? माफ कर दीजिए सर, इस बार के लिए सर। मतलब गाली दिया? नहीं सर, अरे सर सर सॉरी सर, आपको नहीं दिए हैं सर गाली। किसको दिया है गाली सर? वो लड़का सर झूठ बोल। पहले तो तुम उसको नोट दिया जाली, अब दे रहे उसको गाली? सर आप ही को गाली दिया सर, आपका जमीर में ठोकर मार रहे सर। तू चुप कर, चुप करेंगे। ये रो रहा है यहाँ पे आके बच्चा है, गरीब आदमी है, और तुम पुलिस वाले को गाली देते हो? इधर थाने में आ जाओ तुम 8 बजे, टाइम नहीं मेरे पास, थाने में आ जाओ तुम 8 बजे। 8 बजे से पहले आ जाओ थाने में, एसआई साहब आ जाएंगे, फिर मामला लंबा हो जाएगा। को भी मैं पैसा दे दूंगा सर, सॉरी सर सॉरी। घूस दे रहा है तू मेरे को, घूस दे रहा है तू? अरे सर आपको नहीं दे रहे। संदीप इधर आओ, तुम जल्दी आओ, टाइम नहीं मेरे पास सर, माफ कर दीजिए। टाइम नहीं मेरे पास, फोन का बैलेंस भी नहीं मेरे पास सर, माफ मत कीजिएगा सर। जल्दी आओ इधर, देखो नाम, पूरा नाम बताइए सर। संदीप रावत सर। सर आपको गाली नहीं दिए थे सर, आप नहीं समझ रहे। अरे मैं मतलब ना समझूं, मैं यहाँ पे बैठा हूँ यहाँ पे सर, पैसा सर मेरा। सर माफ कर दीजिए सर, माफ कर दीजिए इस बार के लिए। अरे माफ कर दीजिए सर, आप नहीं किए हैं सर, मान जाइए सर। ऐसे कैसे मान जाए, एक ऐसी बात होती है मान जाए। अरे हेलो, आपका मुर्गा बनाया जा रहा था, रेड एफएम से बोल रहा हूँ, आरजे प्रवीण। अब साला बना दिया बे। हेलो हेलो, क्या कर रहा है? हेलो सर, मिले सर, मिले सर, मेरा तुम्हारा। हेलो, अरे चले कौन है बे? अरे बहुत बड़ा क्या तू? अबे नी जवानी बानी बानी रे सवेरे। अबे साले साले तुम लोगों के काम नहीं है क्या? कुत्ते के पिल्ले। अबे साले तुम लोगों का और कोई नंबर नहीं मिला? 7 6 5 8 0 हेलो, अरे बच्चे कौन है तू? साले पागल, अबे डॉक्टर को दिखाओ। ओ सैया, ओ सैया के दूसरे सैया। साले कान का नस फेर दिया
चले कौन से वक्त में पैदा हुए? कान का नस फेड़ दिए क्रैक भी नहीं, पूरा का पूरा फाड़ दिए आप भी तो फाड़ते हैं। 12 बजे के बाद जब सोती है सारी रात, तब आपका शुरू होता है मिजाज और लग जाती है हमारे कानों की रियाज। कौन है बे? ऐसा है कि आपकी बिल्डिंग वालों ने कंप्लेन किया है कि आप रात 12-1 बजे शास्त्रीय संगीत सुनते हैं। हाँ सुनते हैं, लेकिन आप कौन है? सुनने तक तो ठीक है, लेकिन आप उस गाने के साथ में गाते क्यों? तुमको क्या बे? तुम चला शास्त्रीय संगीत सुना के मेरा घूस के मार रहे हो मेरे को, वो क्या है? वो तो रिवेंज है सर। कैसा रिवेंज है? पड़ोसियों का ख्याल ही नहीं आपको, पड़ोसियों की नींद आ रही नहीं आ रही है, तो आपके नाम पर कंप्लेन आई थी इसलिए हमने कॉल किया। तुम कौन हो? क्या कंप्लेन? कैसा कंप्लेन? तुम कौन हो जमींदारी लेने वाले? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफ एम 93.5। अरे यार बोल सर, थोड़ा रात के टाइम में गाना सुनिए ठीक है, लेकिन गाना बंद कर दीजिए सर, पड़ोसियों को बड़ी प्रॉब्लम होती है। पहले बोलना चाहिए था, इतना गाली नहीं देते। परफॉर्मेंस कैसा लगा हमारा डुएट परफॉर्मेंस? तुमने तो मेरा 12 बजा दिया, और क्या परफॉर्मेंस के बारे में क्या बताओ यार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वी आर फतेह अली खान ब्रदर्स। हेलो बेटा, कल तुम एटीएम की लाइन में खड़े थे? हाँ जी खड़ा था। आप कौन? बड़ी नसीब दादाजी। बेटा क्या खाते क्या हो तुम? मतलब क्या आपका मतलब मेरे खाने से? तुम्हारे ठीक पीछे मेरा बेटा खड़ा था, तुमने ऐसी जहरीली गैस मारी है, मेरा बेटा बेचारा बेहोश हो गया, हॉस्पिटल ले जाना पड़ा बेटा, उसको होश ही नहीं आ रहा है, एंटीडोट ही ना मिल रहा है उसकी बेहोशी का, ऐसा क्या पाया तुमने भाई? अरे अंकल जी ये क्या मतलब, अब क्या सखिया है ये हो क्या? तुमने ऐसा कुछ खाया है जिससे तुमने जहरीली गैस मारी? अरे बस करो अंकल जी, बस कीजिए प्लीज। बेटा तुम्हारी पाद से ठीक है बेटा, तुम्हारी पाँच से मेरा बेटा बेहोश हो गया, दिमाग खराब कर रहा है, पेट तो तुम्हारा खराब है बेटा, ऐसा क्या खाते क्या हो? टट्टी खाते हो कि निकालते भी वही हो? आ जाओ दिखाता हूँ मैं क्या खाता हूँ, क्या पिलाता हूँ उसकी के? बेटा देखो दादाजी से ऐसे बातें नहीं करते। मीठी बात आप सुन लिया, आप सुनिएगा गाली ठीक है? जहरीली रातें के बाद जहरीली पादे याद आ रही है मुझे भाई तुम्हारी। किसने मेरा पीछे पीछे आके खड़ा होने के लिए? वो तो अच्छा मेरे बेटे के पीछे एक आदमी खड़ा था, वो भी बेहोश हो जाता, लेकिन उसने हेलमेट पहना था बेचारा, बच गया तुम्हारी गैस से। गलती तुम्हारा बेटा का ही तो है साला, इतना पॉल्यूशन है साला, मुंह में मास्क नहीं थूक सकता था क्या यार? हेलो, आप कल एटीएम की लाइन में लगे थे बालीगंज एरिया में? खड़ा था अपना, अब बोल कहाँ से रहे हो? मैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से बोल रही हूँ, आपके अगेंस्ट हमें एक कम्प्लेन मिली है, आप एक्टिवली जो है हवा को प्रदूषित कर रहे हैं और इसमें आपका पूरा पूरा योगदान है। मेरा गाड़ी का पोल्यूशन का सब पेपर्स मेरे से अपडेट है, कोई पोल्यूशन का कुछ कर है ही नहीं। गाड़ी की बात मैं कर ही नहीं रही, मैं तो आपके पेट की बात कर रही हूँ। अभी क्या वो दादाजी के साथ मिलकर मेरा काट रहे हो क्या? गाड़ियों का चालान कटता है और फाइन लगता है, उसी तरीके से आप पे भी फाइन लगेगा और आपकी भी पाइप चेक की जाएगी, आपने अपना कार्बन एमिशन चेक नहीं कराया लगता है। अरे क्या क्या चेक कराना है मैं आपका, आप बता दीजिए कहाँ आना है, वो दादाजी के पास भी चला जाऊंगा, अपना जाके पोल्यूशन चेक करा ही लूंगा। बेटा हम बुला के चेक नहीं कराएंगे बेटा, हम रिस्क नहीं ले सकते, फिर कहीं पाद मार दिया बेटा हमारी तो हालत खराब हो जाएगी। तुमको मुझको मिला है क्या दादाजी मारने के लिए? क्या चल रहा है साला, दिमाग का दही कर दिया तुम लोग मिलके साला, एड्रेस बोल आ रहा हूँ आकर दिखाता क्या 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 टेस्टिंग करना है। हेलो, मैं सिस्टर बोल रही हूँ। क्या सिस्टर? आज बोलिए, हॉस्पिटल से सिस्टर बोल रही हूँ मैं। कैसा सिस्टर है भाई? क्यों भाई, सिस्टर मतलब नर्स बोल रही हूँ और क्या? आवाज तो सुनकर लग रहा है लौंडा बोल बात कर रहा है। तो नर्स की आवाज के मर्दाना नहीं हो सकती, नर्स खाली ऐसे बोलेगी हाय सर, हेलो सर, हाउ कैन आई हेल्प यू सर। इससे नर्स होती है, नर्सों की अपनी काबिलियत होती है, टैलेंट होता है, अपनी खूबी होती है, वो मेरे पास में है, इसीलिए नर्स बनी हूँ मैं अपने बलबूते पर। आपको कोई मतलब क्या हुआ? आपको कोई मतलब औकात नहीं आपकी क्या? पैसे मेरे को बोल दे, सुनो एक मिनट आपकी गैस मारने से एक पेशेंट इधर में आकर के भर्ती हुआ है। पहले तो अपना दिमाग का इलाज करा, फिर आके मैं गला ठीक कराता हूँ। ये कोई मतलब हुआ आपका ऐसे बोलने का? आप ऐसे इंसल्ट कर रहे हो हमारी? मेरा पास सुनने के लिए आओगे? सुना दूँ तुमको भी साला, साइड वाला बिस्तर पे लेटा दूंगा। ऐसी बैंकी गंदी गंदी बातें कर रहे हो, इतना जहरीला गैस तुम जो बोल रहे हो कब से तो होगा ही ना, मुँह से भी निकल रहा है जहरीला, पिछवाड़ा से तो निकल रहा है यार, मुँह से भी निकल रहा है।
दिमाग गर्म हुआ? अरे होगा नहीं भाई, ये क्या अजीब अजीब से बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम लोग? तो आपको बता दूं सर, बहकी बहकी बातें नहीं कर रहे, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5। सर आपकी ये जो गैस मारने की गंदी सी आदत है, इसके बारे में आपके दोस्त विराट ने हमें बताया। Hello? 你还记得上个月最后请你跳舞的那个 Hello? 这个周末 高恩博了 我们好好玩玩 Hello? 这个周末我想请你去跳舞 Hello? 你还记得我吗 高牛吗 अरे इंग्लिश या हिंदी में बोलो। एक मिनट रुकिए सर, मैं जरा ट्रांसलेट करके बताता हूँ आपको। सर ये कह रहे हैं कि आप इनकी इंटरनेट वेबसाइट के सबसे बेस्ट वाले कस्टमर हैं। हम इंटरनेट वेबसाइट के? जी। कौन सी वेबसाइट है सर? youp.com। पागल आदमी हो क्या? कांट बंद कर रहे हो, मारेंगे झूठा मारे। आपके लिए स्पेशल ऑफर लाए हम, नहीं करते इस्तेमाल ये सब, हमारे काटने की जरूरत नहीं। समझ में आई? सर ये बोल रहे हैं कि आपने 25 वीडियोस देखे हैं इनकी वेबसाइट पर, वो भी एक ही लड़की के एक ही रात में। हाँ सर बता दिया सर मैंने इनको। उससे क्या लेना देना, हम 25 देखे, 50 देखे, 100 देखे, उनसे क्या मतलब है बे? अरे यार कुछ भी बोले, उनसे क्या लेना देना है, हमारा हमको देखना है। आप हमारी काहे मत करिए हमसे। सर 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 फोन डिस्कनेक्ट मत कीजिएगा सर। बताइए, जिनका वीडियो आपने देखा था वो लड़की है हमारे साथ में इस वक्त, काहेलिए वो आपसे बात करना चाहती है। नहीं तो बता रहे सर, ये कह रही हैं कि आपने तो सब कुछ देख रखा है इनके बारे में, देख रखा है ना सर? हाँ, वो हाँ देखा है। हाँ, तो ये कह रही है सर, अब आपने जो कि देख लिया है तो आपको शादी करनी पड़ेगी। करो भैया, हमारा शादी हो रखा है। आपकी शादी हो रही तो क्या हुआ सर? ब्रेकफास्ट में इंडियन, दोपहर में चाइनीज और रात को फ्यूजन खा लेना। अरे मैं तो तेरे को अगर ज्यादा पड़ी तू कर लेना शादी, मुझे नहीं करनी शादी, तू खा ले भाई मल्टी कुछ। मैं कह रहा हूँ सर क्या टेंशन है, वैसे भी तो चाइनीज है सर, ज्यादा दिन नहीं चलेगी। अरे अरे कहा है यार, कुछ भी देखे हम कभी लिया, हम देखेंगे कल कड़ी करते हो नहीं यो की शादी करो, शादी सुबह आदमी है यार। अरे मन हुआ देख लिया, लाली लाए छो चुंगो खा नाम। अरे कहते यार हमको नहीं करना है, मिला देखे साले को क्या है यार, बार बार फोन मत करो यार, दिमाग खराब करके रख दिया। सर चाइनीज लड़की रो रही है, सर चाइनीज लड़की रो रही है। यार हमको क्यों फोन कर रहे हो यार, हमारी चाइनीज नहीं है वो। आपने 25 वीडियो देखे सर, अब आपको शादी नहीं करनी है? अरे भाई तो 25 देखे हम, 200 देखे तुम, मजाक कर रहे हो सर? देखो लड़की बेचारी कितना रो रही है। सही बोला आपने, सही बोला इस लड़के के बारे में, सही लड़का हमको मालूम है। सर आपके ससुर जी कुछ कह रहे हैं सर? सर ये लड़की कह रही है कि हम रेड एफएम 93.5 से बोल रहे हैं और आपको मुर्गा बनाया जा रहा है। बहुत हरामी आदमी हो यार, कसम से यार। मेगा हंसर शेर जो प्यारा, वो भी बोल रही है। एक कौन बताया आपका दोस्त है ना शेख मिराज? अरे उसको नहीं बताया कि सनी लियोन मोबाइल में घूमता है, खून नाली लाए। इसको बुरा लग रहा है सर, इनके सामने आप सनी लियोन का नाम ले रहे हो। For shopping on Flipkart, your courier is out for delivery and we shall deliver within 7 PM. For further assistance, press 1. To speak to our customer care executive, press 2. हेलो सर, गुड आफ्टरनून, हाउ मे आई हेल्प यू? मेरा एक कुरियर था जो सोमवार को डिलीवर होना था, कैन यू टेल मी व्हाट इज द स्टेटस ऑन दैट? सर कैन यू प्लीज कंफर्म योर ऑर्डर नंबर? एक मिनट वेट करना, इट्स 129-34-4572। थैंक यू सो मच सर, कैन आई वेरीफाई द कंटेंट ऑफ योर कुरियर विथ यू सर? या आपने जो ऑर्डर किया है सर वो है हैंडकफ्स, रेड हॉट डिजायर्स मिनी ड्रेस, फ्लेवर्ड मसाज ऑयल्स आपने ऑर्डर करा सर, ब्लाइंड फोल्ड आपने खुद को मालूम, आपने ऑर्डर किया सर, सर डिजाइनर बेबी डॉल विद गाउन, विप, फिशनेट, फिशनेट स्टॉकिंग का डिलीवरी है, मैं क्या मेरा डिलीवरी मुझे ही पता नहीं होगा। और सर लास्ट वाला जो आइटम है सर आपने 56 भोग फ्लेवर, साला वो मेरा डिलीवरी है ना, मैं खुद जानता हूँ। अब तुम ये बताओ कि वो डिलीवरी कब होने वाला है? डिलीवरी के लिए ऑलरेडी निकल चुका है। क्या बोल रहे हो यार, वो तो डिलीवरी सोमवार को होना चाहिए था, अभी डिलीवरी के लिए निकल पड़ा है मतलब? एक मिनट सर रुकिए, मैं डिलीवरी बॉय को फोन कर, एक मिनट। हेलो हेलो, हाँ हमी कंपनी থেকে বলছিলাম। বলুন স্যার, वो कुरियर नंबर जो है 129-34-4572, हाँ उसका स्टेटस क्या है?
एक मिनट सर, पौना मिनट आगे तो डिलीवर कर दिया। अभी बाड़ी पे दिए थे ना मिस्टर बीसी गुप्ता। मिस्टर बीसी गुप्ता दिमाग खराब हो गया क्या तुम लोग? सर ऑर्डर मैंने दिया था मेरे बाप को जाके तुम लोग डिलीवरी करके आए क्या? अरे हम डिलीवर करने गए, अंकल जी पूछे क्या है तो हम बताया उसमें। क्या बताया अंकल जी को? क्या बताया? क्या डिजायर मिनी ड्रेस है, हाँ। क्या डिजाइनर बेबी डॉल वीप है, वीप मैंने टाबू हाँ है, फ्लेवर्ड मैसेज ऑयल, ब्लाइंड फोल्ड है, हाँ। स्टॉकिंग 56 फ्लेवर वाला कुछ है उसमें, वो 56 वो कौन नहीं हम जाके फिर वापस ले आए पर सर। हाँ, हमको लग रहा है कि सर को प्रॉब्लम हो रहा है संजय बाबू। अच्छा सर, जाती सर। अरे यार ये सब क्या किया भाई, एक तो सोमवार को डिलीवरी देना था, ऊपर से जाके मेरे डैडी को दे आया। सर ये सब हवस से भरी चीजें ऑर्डर करने से पहले आपको सोचना चाहिए था। अबे सारे हवस के भरी हुई चीजें मतलब क्या है? देना ऑर्डर है, मैं जिसको करूँ हवस में करूँ या पूजा करूँ वो तुझसे क्या है इसका मतलब? तो सर मैं वापस चला जाता हूँ। हाँ संजय जाओ, अंकल से वो सब सामान वापस ले आओ। हाँ तुम लोगों का दिमाग है कि नहीं? डैडी को मैं क्या जवाब दूँ यार? तुम लोगों का कोई सिविक सेंस नहीं है? वी डोंट हैव एनी सिविक सेंस, हमारे पास में सिर्फ कॉमिक सेंस है। मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, अब क्या गाली कुछ मत कीजिए क्योंकि अभी तक डैमेज हुआ नहीं है। हम डैमेज कंट्रोल कर लेते हैं आपको ये बताते हुए कि हम रेड एफएम 93.5 से बोल रहे हैं। मैं हूं आरजे प्रवीण और आपका बनाया जा रहा था ये हैंडकफ्स, रेड हॉट डिजायर्स, मिनी ड्रेस, ब्लाइंड फोल्ड, फ्लेवर्ड मसाज ऑयल्स, डिजाइनर बेबी डॉल विद गाउन, विप, फिशनेट स्टॉकिंग और सबसे लास्ट वाला सर 56 भोग बने अलग अलग फ्लेवर में। सर ये किस लिए? एक्चुअली मेरा एक दोस्त है, उसका बैचलर पार्टी है। घर का एड्रेस तो आपको नहीं देना चाहिए ना कुरियर वालों को? नहीं यार, ऑफिस में देने से और पंगा हो जाएगा। एनीवेज अपने कुरियर वालों को आप असली में फोन कर लीजिए और पता कर लीजिए कि कुरियर कहाँ है, ट्रैक कर लीजिए, गलत हाथों में ना पड़ जाए। हेलो, हेलो बाबी जी, कैसे हैं आप? आपने क्या बोल रहे? मिस्टर शर्मा बोल रहा हूँ बाबी जी, आपसे एक छोटी सी चीज चाहिए थी बाबी जी मुझे। हैं, बोलू ना? थोड़ी सी मदद चाहिए बाबी जी आपसे। बोलिए तो, आपको क्या चाहिए भाई साहब? बाबी जी मुझे जो है थोड़ा सा आपसे चाहिए था। कि प्लीज घोड़ाना बंद करो ना, अपनी बोलू ना आपका की चाहिए। वो जो कटोरी में से मिलते हैं ना बाबी जी, वो थोड़ी सी चाहिए थी, मतलब दही चाहिए थी बाबी जी। अपनी कौन शर्मा जी? शर्मा जी बाबी जी, इसमें क्या है बाबी जी, मतलब शर्मा कौन बाबी जी? अब हेल्प हेल्प इंसान की हेल्प बाबी जी। अपनी सुनो, बाबी जी मैं तो तब से आपकी सुनी ना हूँ बाबी जी, थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए, दही तो चाहिए और क्या चाहिए बाबी जी आपसे? ओ बाबा अपनी सुनो, मारी थके बेरोन बाबी जी, आप हमारी बात, अबी जी आप हमारी बात ही नहीं सुन रहे। बोलछी तो अपनी गामादर बैठने दोई वोई नहीं, अपनी बाड़ीर बाहर चल, कोनो एकटा दोकाने गिए अपनी दोई पे जाबे बाबी जी। अपनी देबेन ना की लागिए रखे छेन एखने भाबी जी? देबेन ना, देबेन ना बाबी जी, वही तो बोला कि अपनी देबेन ना। कोथा कार एखने फोन करबि ना तुई बाबी जी? देबेन ना, एकदम चुप करे एबार किन्तु आमी बोलछी एकदम एखने फोन करबि ना बाबी जी। भाबी जी फोन चुप करे थाक, आर एकटा कथा ना भाबी जी, देबेन ना भाबी जी, उल्टो पाल्टा एखने फोन करबि ना तुई भाबी जी, दितेई पारेन भाबी जी, दितेई पारेन, एक थप्पड़ मारबो। हेलो भाभी जी, हम वो पड़ोस वाली बिल्डिंग से बोल रहे हैं। तो किससे बात करनी है? अरे आप ही से बात करनी है, वो क्या है ना अभी थोड़ी देर पहले आपके पास एक फोन आया होगा। फोन बोल रहे हो? 10 फोन आते हैं दिन में, आप कौन हो? अरे मैं उन्हीं की पत्नी बोल रही हूँ जो थोड़ी देर पहले आपको फोन करके कह रहे थे भाभी जी देबेन ना, भाभी जी देबेन ना, भाभी जी देबेन ना। फिर की कोना काज में पूरा फैमिली के आपने ना पागल, फोन को नहीं जाते, चल को नहीं जाते, चल को नहीं जाते। अरे नहीं नहीं, पागल वागल नहीं है, हमने तो थोड़ा सा दही लेने के लिए फोन किया था। नहीं आप मेरा बात सुनिए पहले, फिर मेरे पास कॉल आया, आप लोग फुल फैमिली हमको पुलिस स्टेशन हम ले जाएंगे और सब लोग उधर बैठ के दही खाएगा। अरे मैडम पुलिस स्टेशन बाद में लेके जाइएगा, हमको पहला एक कटोरी दही दे दीजिए, थोड़ा कहीं मिल नहीं रहा है जमाना हमको घर में। ये वाले जो डायरेक्ट फोन आते सबको लेके हम पुलिस स्टेशन जाएगा, हम बोल दे रहे हैं आप लोगों को। हेलो बाबे जी, तू ये फोन है? हाँ बाबे जी, माँ बोल चला था मेरी बाबे जी, आपने की देबेन ना? देखिए हमें गिरी कर भी रखा है फोन ना, किसी नहीं शामी के अपनी शुद्ध इटा बोलूँ, आपने की देबेन ना? आप फोन मेरे मुँह गुड़िया देवो। हेलो बेटा, कैसी हो तुम? अच्छे है, आप कौन? एक लेडी ने कॉल किया था लेडी, उससे पहले लेडी के हस्बैंड ने तुमको कॉल किया था। आप हमको फोन क्यों कर रहे हो? तो बेटा तुमको तुम बात करने होगी दादाजी को, तब तो पता चलेगा कि दादाजी ने फोन क्यों किया। देखो वो जो बच्चे हैं उनसे गलती होगी, माफ कर दो दादाजी, रेस्पेक्ट के साथ में बात करो बेटा, ठीक है? अरे आप क्या बोल रहे हो बेटा? सुनिए सुनो, कौन दही चाहिए? आप जाइए बाहर से ले आओ। मैं चाहता हूँ बेटा कि तुम थोड़ा सा दही। अरे सुनिए, आपके रिलेटिव लोग मर गए क्या? थोड़ा सा दही चाहिए बेटा, थोड़ा सा दही नहीं दे सकती तुम? अरे चिल्ला क्यों रहे यार? मैं तुम मेरा बेटे बेटे को गाली दे रही थी। ठीक से बात करना सीख लीजिए आप।
बेटा देखो मुंह में दही रखा हुआ जमाने के लिए, बताओ मैं कैसे बोल सकता हूँ अच्छी तरीके से तुमसे। बेटा तो दही के लिए जो थोड़ा सा जामन लगता है ना, जवानी तो रही नहीं, जामन दे दो। बेटा मेरे तो गाना लिखा सुन लो, तू तक पूतिया दही जमा लो हेलो हेलो हाँ जी मैडम, कौन मैडम आपकी तरफ में थोड़ा दही मिलेगा क्या? कौन जी, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। बेटा और यही दही मांगने वाले की बीवी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज 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 सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट।